हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एडिशन। आज मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे पक्का यकीन है आप लोग को पसंद आने वाली है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज की वीडियो किस बारे में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो है सैंडल्स के बारे में। ये वो सैंडल्स हैं जो लोग ज़्यादातर वेडिंग्स में भी पहनते हैं। वैसे तो आप ये बाकी इवेंट्स में पहन सकते हैं, और आप तो जानते हैं आगे ईद आने वाली है तो आप ये ईद पे भी पहन सकते हैं। लेकिन ऐसे जूते ज़्यादातर वेडिंग्स पे चलते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन सैंडल्स के साथ हैं हाई हील्स। और वैसे भी लोग ज़्यादातर अपने ड्रेस के साथ इनको मैच करने की कोशिश करते हैं जूतों को वेडिंग्स पे, है ना। क्योंकि जो ड्रेस पे उस तरह का काम हुआ होता है, आप वैसे ही जूते फाइंड करने की कोशिश करते होंगे ताकि वो आपके ड्रेस के साथ मैच करें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि इनमें ऐसे सैंडल्स हैं जो आप हर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। अब आप देखेंगे गोल्डन कलर की जो है, ये आप ब्लैक कलर के साथ ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं, वाइट ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं। देखिए ये वाला भी बहुत प्यारा है, ये भी पीछे से गोल्डन कलर का है लेकिन आगे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। अब ये देखेंगे ब्लैक हील है, ऊपर कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है जो आंखों को फौरन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जूते अगर आप अपने पाँवों में पहने हुए उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका इलाज भी मेरे पास है। वो ये है कि आपको अपने पाँवों को साफ रखना पड़ेगा, और वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। आप रोज़ रात को सोने से पहले कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें अपने पाँवों पर ताकि वो नरम और मुलायम हो जाए। और जब आप इन जूतों को अपने पाँवों में पहनेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, वो तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे कि अब ये देखें कितने प्यारे हैं, लेकिन उसके पाँव कितने साफ हैं, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गई है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखें अंत तक, तो इसे एंजॉय करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग को और कैसी वीडियो चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वैसे वीडियोस बनाऊं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मुझे आप लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी अच्छी वीडियो बन जाती है आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।